अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फरजाना शराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कश्मीरी चाय बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो बनाना नहायत ही आसान है और इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा है। तो आइए शुरू करते हैं कश्मीरी चाय बनाना। सबसे पहले मैंने 2 कप पानी लिया है और 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है, जो मैंने 7 चूल्हे पर हल्की आँच पर चढ़ा दिया ताकि वो गर्म होता रहे। एक स्टिक मैंने दालचीनी की ली है, 2 टेबलस्पून मैंने सब्ज पत्ती ली है और 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है। मीठा सोडा इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो कैबेज का कलर है इससे बहुत अच्छा आता है। तो कैबेज को बहुत अच्छा पकाना और इसको पकाते हुए फेंटना भी बहुत ज़्यादा है। जितना हम अच्छा फेंटेंगे और इसको पकाएंगे इतना ही कैबेज का कलर अच्छा आएगा। देखिए कितना अच्छा कलर निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें 2 बादाम के फूल डाल रही हूँ, 7 से 8 इलायची डाल रही हूँ, 2 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि कश्मीरी चाय जो होती है उसका टेस्ट और अच्छा आता है नमक ऐड करने से। अब कैबेज को बहुत अच्छा पकाऊंगी और तब तक पकाती रहूंगी जब तक इसका पानी आधा नहीं रह जाता। जब पानी का आधा हो जाएगा तो इसमें चिल्ड वाटर डालूंगी, बिल्कुल ठंडा पानी। 2 कप मैंने इसमें ऐड किए हैं और फिर इसको दोबारा उसी तरह अच्छी तरह पकाऊंगी। जब इसमें से 1 कप पानी ड्राई हो जाएगा, अब जो गरम मैंने दूध किया हुआ था उसमें अब कैवा ऐड करूंगी और कैवा दूध के हिसाब से मैं उसमें ऐड करूंगी। बाकी का कैवा जो है वो मैं फ्रिज में रख लूँगी ताकि बाद में इसको इस्तेमाल कर सकूँ। देखिए कितना अच्छा इसका बिल्कुल कश्मीरी चाय हमारी तैयार हो गई है और बिल्कुल इसका कलर पिंक निकल आया है। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी। चीनी आप हसबे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आपको चाहिए। देखते हैं हमारी कश्मीरी चाय इतनी अच्छी तैयार हुई है और बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक तैयार हुई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पहुँच सके। फरजाना शराज को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं